दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है और बुरा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है। किसी व्यक्ति में हम अच्छाई देखते हैं तो इतनी सारी अच्छाई देख लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, और उसी व्यक्ति में जब हम बुराई ढूंढते हैं तो इतनी बुराई ढूंढ लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई बुरा है। जैसे तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की, बोलो बोलो जम के बोलो, बहू, जब तक शादी नहीं होती तब तक पूरे नगर में डोंडी पीटती हो, इतनी बढ़िया लड़की है, एकदम गुड नेचर है, दिखने में भी सुंदर है, उसके माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार है कि हम 3-4 बार गए उसने उठ के हमको नमन करा, प्रणाम करा, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसके माँ बाप ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, सब काम कर लेती है, सिलाई उसको आती, कढ़ाई उसको आती, बनाई उसको आती, सब। जब तुमने उस लड़की में इतने सारे गुण देखे, उस बेटी में तुमने इतने सारे गुण नजर किए, तब तुमने अपने लड़के के लिए उस लड़की को चुना। शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी हर काम तुमको बुरा लगने लगता है? क्या मतलब? शास्त्र झूठ नहीं कहता, शास्त्र सत्य कहता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है और अवगुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा। शादी के पहले लड़की को सास इतनी अच्छी लगती है, मम्मी बिल्कुल तुम्हारे जैसा नेचर है उनका, मेरी सास का इतना अच्छा नेचर है, इतना प्रेम करती है, मेरे को बार बार फोन लगाती है, हर 2-3 दिन में फोन आ जाता है, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई पर इतना प्रेम हमारी सास का। फिर बहू की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको सास प्रिय नहीं है? सास की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको बहू प्रिय नहीं? भाई भाई के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, जब तक भाई नहीं आता तब तक भोजन नहीं करता। धीरे धीरे ऐसी क्या दृष्टि हो जाती है कि भाई भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता? ये 2 दृष्टि परमात्मा ने हमको दी, एक अच्छा देखने की, एक बुरा देखने। अच्छा भी आप इन दृष्टि से देखते हो और बुरा भी आप इन दृष्टि से देखते हो। हमारा तो शुमह पुराण में बस इतना सा निवेदन है, अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं, हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते। थोड़ी बहुत बुराई सब में भरी पड़ी है, ऐसा कोई संसार का व्यक्ति बता दो जिसमें बुराई ना हो। कोई कितना बड़ा भी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना बड़ा भी संत साधु गुरुजन बन जाए, उसमें भी कोई ना कोई बुराई रह जाए। जिसमें बुराई नहीं है वो गौ माता कहलाई है। गौ माता के अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसका जो गोबर होता है उस गोबर की भी पूजन होती है, गोवर्धन बनता है। गाय का जो गोबर होता है उसको भी घर में लीपा जाता है, गाय का जो गोबर होता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि उसमें बुराई नहीं है। मनुष्य में बुराई है, भले फिर वो कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना, इसलिए गाय का गोबर पूजा जाता है, मनुष्य का गोबर पूजा जाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी पीठाधीश मठाधीश हो जाए, चाहे दुनिया के लोग उसके चरण धो धो कर पी रहे हो, चाहे दुनिया के लोग उसको अंबारी पिना रहे हो, पीताम्बर पिना रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो भी मनुष्य का गोबर नहीं पूजा सकता, क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है। गौ माता की अंदर बुराई नहीं है,
वो अपने बच्चे का दूध का हिस्सा तुमको पिला देती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देती है, वो कौन है? अब जैसे गोमाता में बुराई नहीं है, संसार में अगर भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हम क्यों बुराइयां छाटे? हम क्यों एक जरा सा फेसबुक पे किसी ने उल्टा सीधा कमेंट्स कर दिया और कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है और तुमने उसमें कमेंट्स डालना चालू कर दिया, हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, तुम्हें क्या करना उससे? अगर मेरे भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उनसे सीखो, वो मौन रहते हैं नेत्र बंद कर, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, जब मौका मिलता है तब नेत्र खोलते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। आप 24 घंटे दुकान पर बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 24 घंटे काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें सीओर वाले महाराज का क्या घटने वाला है? हाय, क्या आपको पता है कि आप हर साल पर 24 घंटे दुकान पर बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान पर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि तुम्हारे सामने से कोई मूंगफली वाला निकले, कोई अच्छा फल वाला निकले, कोई अच्छी दुकान वाला निकले, तो निवेदन है कमा कमा कर केवल गुल्लक में मत रखना, थोड़ा अपने ऊपर खर्च भी करना। भूखे रह लेते हो और दिन भर दुकान पर लगे रहो, किसके लिए कमा रहे? मन कर रहा है मूंगफली खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि सेब खा लूं, पर ग्राहक खड़े। मन कर रहा है कि बी जाम खा लूं, पर ग्राहक खड़े। मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लूं, पर ग्राहक खड़े। ये ग्राहक तो समय पर आते रहेंगे, पर अपने शरीर का भी ध्यान दो। प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया का सुख नहीं है तो कोई आनंद नहीं। ये काया अगर ठीक है तो तुमने जो करोड़ों कमाए हैं उसका तुम भोग कर सकते हो, वरना तुम 40-50 साल तक तो व्यक्ति खूब कमाता पैसा जोड़ जोड़ के रख जाता, और 45 से 50 साल का जब होता तो 50 साल के बाद जो कमाया हुआ है वो सब डॉक्टर पे लगाते जाता। क्या मतलब है? 40-50 साल तक कमाया और 40-50 साल तक कमाने के बाद उसको उठा के डॉक्टर में लगाया, तो ऐसी कमाई किस काम की? अपने प्रति जागरूक हो। आप 1 रुपए का भी दान मत करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है, तुम्हारा बेटा दीपावली पर एक से बढ़कर एक 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है, तुम्हारी बेटी एक से बढ़कर एक सूट लेकर आ जाती है, तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ले आती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए भी 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली माँ 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च। हमसे लोग कह देते महाराज कथाकार को क्या इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए? तुम इतना सोना वोना पहन कर बैठते हो तो हम उनको कहते हैं जजमान ने दिया नी पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए? आज
आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखो। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता यशो कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? स्तुति पढ़िए। माता पुनी बोली सोमति डोली तजउ तात या रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है, तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि मां मुझे तुम रुलाना क्यों चाहते हो। कौशल्या जी ने कहा बेटा राम इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है, मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन। ये 7 दिन का जो मेला है, ये 5 दिन का जो मेला है, ये मुस्कुराने का मेला है। बहुत भीड़ हो रही है धुलिया में, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है इतनी दूर जाना, इतने ट्रैफिक में फंसना। जो इस कथा के ट्रैफिक में फंस जाता है वो नरक के ट्रैफिक में जिंदगी भर नहीं फंसता। हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत दूर है। और वहां तो खूब कई बार तो चेन चोरी चली जाती है, मंगलसूत्र चोरी चले जाता है, सामान चोरी चले जाता है, तो सीवर वाला मारा तो रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता काहे को पहन के आते हैं। मेरे बाबा जैसे जाऊं ना शंकर के पास, कौन सा कीमती सामान है, और जिसकी मर्जी हो चोर लो जा, एक का सांप चोर के बता, डमरू चुरा ले, और ज्यादा ज्यादा हो तो शरीर में लगी भस्म चुरा ले, रुद्राक्ष की माला, इसकी कौन चोरी करेगा। मेरे शिव जैसे अड़भंग बनकर जा, कथा के पंडाल में कोई VIP बनकर मत जाना, बहुत करोड़पति बनकर मत जाना, बाबा के दरवाजे पर तो उसका सेवक बनकर अड़भंग। कोई सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ पहन कर मत जाओ, अगर पहन कर जाना है तो गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, और मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो, और मेरे बाबा की कथा हो। जहां जगह मिले वहां बैठकर जब हम कथा कर तत्व ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास में से मेरा बाबा निकल कर गया, मेरे पास में से। तुम्हारी जितनी कीमती वस्तु है घर छोड़ दो। 21 तारीख से 25 तारीख तक जब नासिक में कथा रहे अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर नहीं आना, छोड़ दो घर। आप में से कितने लोग हैं जो दोपहर के 12 बजे घर के बाहर दिया लगाते होंगे? कोई नहीं लगाता, अंधेरे में दिए की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। सोने चांदी की जरूरत जब तुम कहीं जाओ तब जरूरत पड़ती है, पर जब तुम सत्संग में जाओ, मेरे बाबा के दरवाजे पर जाओ, शिव तो खुद कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है, वो स्वयं बैठा है, तो उसको क्या दिखाना है। घर में रहो ना तब खूब अच्छे अच्छे से, तुम्हारे पास में जो जो रखी सामग्री है सब पहनो, जितनी अच्छी अच्छी साड़ी हो रोज
अलमारी में ऐसा नहीं कि तुमने जमा के रख दी, ये मैं छोरा की शादी में पहनूंगी, ये मैं देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, ये मैं उसकी शादी में पहनूंगी, मैं एक किटी पार्टी में पहनूंगी, ये मैं कहीं पर शादी की सालगिरह में जाऊंगी तब पहनूंगी। एक वो साड़ियां इतनी संभाल के मत रखो, उससे पहले निपट गए तो एक पत्नी पति के साथ घूमने के लिए गई विदेश, वहां से एक हार ले आई नेकलेस, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलती नहीं, जब अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहनूंगी, रख लिया, इंडिया आ गई। भारत में आने के बाद में उसने पति ने कहा आज अपनी शादी की सालगिरह है पहन ले, पत्नी कहती है नहीं अब देवर के लड़के की शादी निकल गई, अब तो मैं जब ही पहनूंगी। शादी होने वाली थी जून में, अप्रैल में, पति खूब रो रहा था, अंदर गया, नेटलेस निकाल के लाया, पत्नी को अर्थी पे पिनाने लगा बॉडी। दोस्त कहते पागल हो गया है, मर चुकी है, क्यों हार पहना रहा है हीरे का? पति कहता है कि मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले, वो हमेशा कहती थी बाद में पहनूंगी बाद में पहनूंगी। बात का काम कभी नहीं हुआ, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी है ना, आज से नियम बना लो रोज नहीं पहन। कहा गुरुजी हमें कौन देखेगा? कोई नहीं देखे, जो पति तुमको ब्याह कर कर लेकर आया है वो भी अगर तुमको तुम्हारे रोज नई साड़ी में देखेगा तो परमेश्वर खुश हो गया समझ लो। कहा करना क्या दिक्कत, कोई जरूरी है कि दिवाली आएगी तभी गुजिया बनेगा? अरे बोलो जम के बोलो जरा, दीपावली आएगी तभी चकली बनेगी, दीपावली आएगी तब मठरी बनेगी, दीपावली आएगी तब कुछ पकवान बनेगा? नहीं, दीपावली का इंतजाम नहीं करना अपन तो, रोज कोई मौका मिल जाए गुजिया बनाओ, पपड़िया बनाओ, बर्फी बनाओ, चकाचक खाओ। कोई तुमसे पूछे आज कैसे बना ली तुमने गुजिया, तो तुरंत कह दो मम्मी सीवर वाला महाराज कहता है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जम मिले तब पाओ। जीवन का क्या ठिकाना, आज है कल ना हो, प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी अच्छे लोगों की संगत में रहो तो उसका फल मिलता जरूर। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी मंदोदरी, एक जंगल में तीन चार संत रहते थे, साधु रहते थे। संत साधु तन पे भस्म रमा लेते, मस्तक पर त्रिपुंड खींच लेते और भगवान की भक्ति में रमे रहते। और जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है उसको कहीं ना कहीं सुख का स्मरण है। एक पत्र आया है, पत्र में सुरेश चोरे, पता है 40 गांव रोड, पंचवटी नगर, धूलिया। मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। सोनाली नीलेश चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी 6 साल की लड़की है जिसके शरीर में माताजी निकली, चेचक निकला, माताजी निकली। 4 दिन बाद हमने उसको देखा तो वो बेसुध थी, उसको चक्कर आने लगे। बेटी को हमने अस्पताल में भर्ती कराया, 3-4 दिन बाद अस्पताल में उपचार शुरू हुआ। बेटी को जगह जगह तकलीफ हो रही, हमने डॉक्टर को बताया तो उसने उनकी MRI कराई, तो बेटी का जो ब्रेन था
उस ब्रेंद में जो नसें थीं, उन नसों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। उससे बेटी का ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, बेटी के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, बेटी का ब्रेन बैलेंस लेना बंद कर दिया। जब ब्रेन बैलेंस नहीं लेता तो शरीर काम नहीं करता। हमारी बेटी पलंग पर पड़ गई, ना हाथ काम करता था, ना पुतली काम करती थी, ना कोई शरीर काम करता था, केवल श्वास आती थी। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्ची की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची 6 महीने में भी ठीक हो जाए, 6 साल में भी ठीक हो जाए, जिंदगी भर ठीक भी ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं। अब ये बेटी पलंग पर ही रहेगी और उठ नहीं सकती, इसका शरीर काम नहीं करेगा। चाहे तो आप हॉस्पिटल में रखें, चाहे तो आप अपने घर पर रखें। बेटी एक जगह से खड़ी नहीं हो सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, अपाहिज हो गई थी। पूरा समय निकलता गया, कई महीने निकल गए, साल पूरा निकलने को आ गया, पर बेटी तंदुरुस्त नहीं। अब करें तो करें क्या? जब बेटी का शरीर काम ना करे, आईसीयू में पड़े पड़े, वेंटिलेटर पर पड़े, कब तक रखें? हमने भी डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब इसका कोई उपचार, इसको बॉम्बे ले जाओ। हम बॉम्बे दिखा लिए, पर बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अगर कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती है, बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब हॉस्पिटल में हमने बेटी को रखा, आईसीयू में रखा, क्या करें? किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाया करो। गुरुजी, हम और हमारी बेटी रोज शिवजी को जल चढ़ाती थी। अब बाबा से लड़ाई इस बात की है कि बेटी को इतनी बड़ी तकलीफ कैसे आ गई। गुरुदेव, आंखों में से आंसू बह रहे थे, पूरा महीना दो महीना ऐसे ही जाते चले गया। अब करें तो करें क्या? बेटी की हालत देखी नहीं गई। तब मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे जिस शंकर जी के मंदिर में अपन जल चढ़ाने जाते थे वहां चलते हैं। जाते जाते रास्ते में एक लेडीज मिली जो हमेशा मेरे साथ मंदिर जाती थी, उसने कहा मैं अभी सीहोर गई थी, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई थी, मैंने सुना है तेरी लड़की की तबीयत खराब है, रुद्राक्ष तू ले ले। मंदिर जाते समय गुरुजी कौन रुद्राक्ष हाथ में लेकर जाता है? मेरी पड़ोसन ने मुझे रुद्राक्ष दे दिया, मैंने अपने भाई को उसमें पानी में गलवा कर जल चढ़वाया। जल चढ़ाकर हम बेटी को लगाने के लिए लेकर गए, बेटी के मुंह में दो दो बूंद डालना चालू करा, शरीर में लगाना प्रारंभ करा, और धीरे धीरे उस दिन पहली बार बेटी ने पांव और हाथ हिलाना प्रारंभ करा। बेटी ने जब पांव हाथ हिलाना प्रारंभ करा तो हमने डॉक्टर से कहा इसके शरीर में कुछ कंपन आया है। डॉक्टर ने कहा देखते हैं, जांच करी तो कहा वो तो वैसे ही हिला होगा। हमने बेटी को फिर पानी पिलाना चालू करा, धीरे धीरे जल देते गए, और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। हमने डॉक्टर से कह दिया हमारी बेटी को हमारे घर भेज दो। हम घर लेकर आ गए, उस समय पर परमड़ी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, प्रदोष काल का समय था, कथा सुन रहे थे। तब मैंने बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर उस कथा को, परमड़ी की कथा को, प्रदोष काल में जो कथा हो रही थी शाम के समय की, उस कथा को बेटी के कान में हेडफोन लगाकर चालू कर दी। मैं अपने काम में लग गई, उस हेडफोन को लगे लगे मेरी बेटी पहली बार चलकर मेरे पास आई। मेरे बाबा ने ये धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका दिमाग काम करना चालू कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बेटी कैसे चल सकती है जिसका ब्रेन पूरा ब्लास्ट हो चुका था। ये शिव है, ओखड़ी शंभु। जो भजन करते हैं आप, जो स्मरण करते हैं, एक बच्चे का फोटो 3 दिन से आ रहा है, जिस बच्चे का चेहरे पर फटाका फूट गया था और आंखें दोनों चली गई थी, जिस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर को करना था पर आंख की गारंटी नहीं थी कि दोनों नेत्र वापस आएंगे, क्योंकि आंखें अंदर से पूरी जल चुकी थी। इस बच्चे का फोटो आप एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप फोटो देखेंगे, जिस बच्चे का पूरा चेहरा
जिस बच्चे की पूरी आंख है, डॉक्टर के हिसाब से हम प्लास्टिक सर्जरी चेहरे की कर देंगे, पर बच्चे की आंखें नहीं आ सकता, नेत्र नहीं आ सकता। उस बच्चे की आंखें वापिस आना कठिन, पर पत्र में लिखा डॉक्टर हिम्मत हार गए, ये पत्र है समाधान अधिकार माली शिरपुर धुलिया का। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, समाधान अधिकार माली शिरपुर धुलिया मेरा मोबाइल नंबर है। 18 मार्च को अपने परिवार के साथ बड़ी दीदी के घर में हमारा बच्चा गया हुआ था, वहीं पर पटाखा चलाया तो उसका पूरा चेहरा जल गया। 8 वर्ष का मेरा बेटा है जिसको हिलेश मालिक कहते हैं, पूरा चेहरा जल गया। हम डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चे का तो पूरा चेहरा जल चुका है, बच्चे के चेहरे के पूरे फोफड़े निकल चुके हैं, आंखें पूरी अंदर जा चुकी है, बचना मुश्किल है। फिर भी हमने डॉक्टर से कहा थोड़ी बहुत तो अब ध्यान दो, डॉक्टर ने ध्यान दिया, हमें दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। हमने वहां पर गए तो वहां पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला, पर आंखें ठीक होगी ये नहीं बोला, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कब तक ठीक होगा, आंखें कब तक आएगी, कुछ नहीं कर सकते। तभी जिस ऑटो में हम बच्चे को लेकर गए थे, वो ऑटो वाले ने ही कह दिया, सीवर वाले महाराज की कथा सुनते हो, जल चढ़ाओ। हमने शिव जी को जल चढ़ाया, डॉक्टर अपना काम करता रहा। हमने डॉक्टर से कहा इसकी प्लास्टिक सर्जरी अगर करोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और आंखें तो पूरी जा रही है। डॉक्टर ने कहा इसके सिवाय कोई तोड़ नहीं है। हमने प्लास्टिक सर्जरी को रोका, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर बेटे के चेहरे पर छींटना प्रारंभ करा, हाथ लगा नहीं सकते थे, बेटे के मुख में जल देना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है, ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ी, आंख भी पूरी की पूरी वापिस आ गई और प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी। यह शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठा हो बच्चा तो व्यासपीठ पर आ सकता, शिव तत्व इसी को कहा, ओपरी इसी को कहा। आप कितना भरोसा करते हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि शिव के प्रति आपका भरोसा है। शिव के प्रति आपका विश्वास है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटों, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखना, दुनिया के लोग कितने भी तुमको भटका दें, दुनिया के लोग तुम्हारे को कैसे भी भटकाएं कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम क्यों शंकर का भजन करते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों जाते हो, कोई कितना ही कहे तो भी तुम्हारा भरोसा इतना पक्का रखना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में, जैसे इस बच्चे के दुख की घड़ी में, इस लड़की के दुख की घड़ी में, जैसे 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 इस दुख की घड़ी में उसका विश्वास पक्का रहा और उसका बाबा उसको संभालने के लिए आया, वैसे बाबा आता है। तेरी कृपा बिना ना हिले बखान क्या करूं राखो चपटी बहुत मेरे खजाना वाली जीजियों, कहीं तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ होगा और तुमने बाबा से कहीं प्रार्थना करनी होगी,
तब आविष्कार भूसे इस कथा को सीहोर से लेकर धोलिया तक आए। कहीं शिव कृपा हुई होगी तो बिना कृपा के तुम्हारे भाग्य की प्रबलता है, तुम्हारे भाग्य की प्रखर। हम कहते हैं जिस नगर में जिस गांव में शिव महापुराण की कुबेरेश्वर बाबा की ये परम प्रिय शिव महापुराण ये पोथी पहुंचती है उस नगर वाले जितना जितना पलक पावड़ा बिछा कर सेवा करते हैं। कोई कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने भंडारे में अन्नदान किया होगा, कोई लोग होंगे जिन्होंने सेवा करी होगी, कोई महेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दर्जी समाज हो, सिंधी समाज हो, भावलपुर समाज हो, सिख समाज हो, जिन जिन ने जिस जिस रूप में जो जो सेवा, कोई ने पानी पिलाया होगा, कोई ने भोजन कराया होगा, कोई ने कुछ दिया होगा, प्रतीक्षा कर आप दूसरी जगह नहीं जाके बता सकते तो 2025 में हम वापिस यहां आएंगे। अग्रवाल परिवार कथा कराएगा, हम वापिस यहां पहुंचेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि बाबा ने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं। वो देता है पर कहता नहीं। दुनिया के लोग देते हैं तो 50 बार, वो देता है पर कहता नहीं। शिव कथा कह रही है, चार संत साधु जंगल में रहते, भजन पूजन करते, एक कुएं का पानी भरते, शंकर जी को चढ़ा देते। उसी कुएं का पानी वो संत भी, उसी कुएं का पानी संत। माली है महाराष्ट्र सिरपुर के, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। इनका एक प्रश्न है, हमारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में लोग पुराने फोटो, पुरानी मूर्तियां, मिट्टी की लक्ष्मी जी, गणेश जी, ऐसी प्रतिमाएं, मूर्तियां हमारी गाड़ी में दे देते हैं। हम उस मूर्तियों को ले जाकर एक और खड्डे के अंदर उसको, क्योंकि आप कहते हैं जल को शुद्ध रखना है, नदी तालाब बावड़ी कुएं का जल शुद्ध होगा तो हमारा कल भी शुद्ध होगा। जल है तो कल है, जल ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर करोड़ पे क्या। हम उस मूर्तियों को एक खड्डे के अंदर रख देते हैं क्योंकि सब खंडित रहती हैं। पत्थर की मूर्ति होती है तो नदी के तट पर रख देते हैं, पर मिट्टी की होती है, फोटो होता है, तो हम उसको मिट्टी में ही उसको मिलाकर खाद बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं गुरु जी, हमें पाप तो नहीं लगेगा गुरु जी। हम कहते हैं तुम जो पुण्य कमा रहे हो उसके आगे कोई पुण्य नहीं। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में देवताओं की मूर्ति की पूजन करने के बाद, गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया, लक्ष्मी जी की पूजन कर रोड के किनारे पटक दिया, फोटो हम टूट गए उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया, पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं, लोग वहां पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियां रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियां रखी हैं और वहां से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया,
मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी, मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन कर, उसमें गलतता नहीं। हमसे लोग प्रश्न कर देते हैं, आपने कहां का तरीका लेकर आए कि घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया करो। एक एक अब हम क्या बोलें आपको, क्या कहें। एक व्यक्ति ने तो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि उस वो महा के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है, और वो अपने घर से पानी भर कर लाती हैं, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ा कर जाती हैं, और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए बैठते हो। मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले, और अंदर से कैसा है फिर कौन कहेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखे उनको, ये क्या है, तांबे का लोटा उनका गंदा हो रहा है। आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ, घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो नदी का पानी झूठा नहीं, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं, तेरी पूजा में दूध ले आई उसे झूठा, तेरी पूजा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाला सबसे पहले बछड़े को छोड़ता, गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, माँ के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है, दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा मछली जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता। तेरी पूजा में फूल ले आई इसे भवरा भी झूठा। फूल चढ़ा रहे हैं उसको भवरे ने झूठा करा, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उसको इली ने झूठा करा, पक्षी झूठा कर। तो किसी ने पूछा जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं हाँ, दूध झूठा है हाँ, भगवान स्वीकार करते हैं हाँ, फूल झूठा है भगवान स्वीकार करते हैं हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले को भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल दूध और फूल क्या लगे, बोलो तो री चीजें सही बात है कि गलत बात है। कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में, बैठता दुकान पे कहता घर पे। पत्नी पूछ रही कहां तक पहुंचे, बस यहीं तक पहुंच गया हूं पुल के नीचे बस, और मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूं, कितना झूठेला पति रोज कहता है एकदम नंबर वन। वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया,
मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया, तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहाँ का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी और तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, बोल क्या बोलता था? अच्छी लग रही है, ऐसा बोलता था। दिल से बता, तुझे अच्छी लगती थी? कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता है, कभी कभी अनायास पाप हो जाता है। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बेकुंठ गया। अब बेकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सब एक के पीछे खड़े हुए थे, आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव सब बेकुंठ के दरवाजे पर लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर भी, वहां जाकर बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया, जींस फटी, चश्मा, चाबी का कीरिंग हिला, मुंह में पान भरा हुआ। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मन में विचार करा, बताओ कैसे कैसे लोग बेकुंठ आ जाते हैं, इनको तो नरक जाना चाहिए, फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहे हैं, मुंह में पान भरा है, कीरिंग हिला रहा है, इनको तो नरक जाना चाहिए, बेकुंठ की लाइन में खड़े खड़े हूं, तो अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया, आओ संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का उसमें जाकर रहो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झेलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया, हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहाँ सही नियम होता है। क्या खाक सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बाँचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आ गए, यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है, बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा, यहाँ जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहाँ रिश्वत विश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल जाता देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है, भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है। पुण्य तो जाएगा ना खाते में। एक यहां पर एक कोई बच्चा है राम बदाने, जिसने अपने नगर से गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए। निशुल्क आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई,
अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठ कर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए, उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना? अरे बोलो तो जम के जाएगा ना? कि पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा? केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। बाकी की किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात करे, केवल बीमे वाला बोलता है, देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा। और पत्नी भी इतनी चतुर पल्लू ले लेके पूछती, कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया, उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोर था। मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर यही ठीक है, फिर एक ही है। अरे भाई बीमे वाले का क्या फायदा होता है? तो क्या बीमा करवाते हैं तो उसका जो कुछ एकाध परसेंट छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है, जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू भूसे हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है, ये निश्चित जो करवा रहा है। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा लेगा, अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाओगे, झूठा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान मेरे घर का एक लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। अब इतने झूठे मनुष्य को जब परमात्मा ने स्वीकार कर लिया तो हम कहां लगे? इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है तो अपना कहां लगे, कहां पहुंचे? विचार शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का एक एक माने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा किसी माने उसके बच्चा नहीं हो रहा था, और बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने प्रयोग करा, और प्रयोग कर कर बच्चा हो भी गया, गर्भ में बच्चा आ भी गया, जन्म भी ले लिया, और जन्म लेने के बाद उस बच्चे को एक तो हृदय में छेद बता दिया, दूसरा उस बच्चे को जब वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उस बच्चे के एक गठान बता दिया। अब 1.5 महीने के बच्चे को लेकर वो माँ हॉस्पिटल में गई अपनी सास के साथ, उस बच्चे को लेके जब वो हॉस्पिटल में पहुंची
योगिता दीपक सोनबड़े, हितार्थ दीपक सोनबड़े नंदुरबार से आए हैं। हम हमारी बच्ची को भी लेके आए हैं। गुरुदेव, 17 अक्टूबर 2022 को बच्चे ने जन्म लिया था। उसके जन्म के बाद में बच्चा ठीक था, पर एकदम उसको तकलीफ हुई। 1.5 महीने का हो गया था तब। उसको हम दिखाने डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो उस बच्चे के पेट के अंतर्गत एक गठान बता दी। गठान थी 3.33 mm की, 3.3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गठान बच्चे के निकालना पड़ेगी, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर भी गठान बताई। तीसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर भी गठान बताई। अब करें क्या, 1.5 महीने की बच्ची, उसका ऑपरेशन बड़ा कठिन। तब मेरी सास ने कहा इस बच्ची को तो अपन शंकर जी को ही दे दो। हम शिव जी के मंदिर पर उस बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर वापस लिया है, हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन नहीं कराया। रोज शिव जी को जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उस दूध को लेकर आते, बच्ची को 2 बूंद दूध पिला देते। 1.5 महीने की बच्ची को पानी कहाँ पिलाए, दूध पिला। कटोरी में जो दूध बचता था उस दूध को मैं खुद पी जाती थी। माँ लिख रही है उस दूध को मैं पी जाती थी, क्योंकि एक बार गुरुजी आपने कथा में कहा था बच्चा अगर जल नहीं पी सकता तो उस जल को माँ पिए, माँ के स्तन से जो दूध निकलेगा उस दूध में वो जल मिला हुआ आएगा और बच्चा ठीक हो। मैंने उस दूध को पीना चालू कर दिया, शिव जी के जल को पीना चालू कर दिया। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, हम दूसरी बार बच्चे की जांच कराने के लिए गए तो 22 दिन के बाद मालूम पड़ा कि बच्चे की गठान गल चुकी थी, उसके गांठ मीटर नवीन के बच्चे का ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, नहीं का तो कथा का विराम दिवस रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कथा विराम होती है तब बाबा भी कुछ ना कुछ आपको देखकर जरूर जाते हैं, ये निश्चित। बाहू से, दिल से, आनंद से सभी आज कथा के विराम दिवस पर बाबा से प्रार्थना करना। बाबा आप कृपा करना, दया करना, दिल से। श्री शिवाय नमस्ते। Thank you.
वीडियो में। शिव कथा कहती है संतों को रोज कुएं से पानी भरना, शिवजी को चढ़ाना, जल पीना, साधु संत यही क्रम पूजन पाठ का करते। उसी कुएं में एक मेंढक रहता था, वो संतों का सानिध्य करता, रोज संतों का दर्शन करता, संतों का प्रवचन सुनता। एक दिन संत ऋषिजन गुरुजन आते, साधुजन आते, उसके पहले एक सांप पानी में, बहुत जहरीला सांप पानी में गिर गया, मर गया। उसका जो विष था वो पानी में उसने उगल दिया। मेंढक ने देख लिया कि इसमें सांप गया है और वो सांप ने विष उगल दिया। अब मेंढक करे तो करे क्या, उसने इंतजार करा कि संत आएंगे तब उनके सामने मैं पानी में गिर जाऊंगा तो संत कम से कम इस पानी को लेकर नहीं जाएंगे। संत जैसे ही आए, साधुजन जैसे ही आए, मेंढक पानी में कूद गया तो जहर का पानी था उसमें, मेंढक मर गया, शरीर नीला पड़ गया। संतों ने कहा इस पानी में मेंढक पड़ा है और पड़ते से ही मर गया है। थोड़ी देर बाद संतों ने उस मेंढक को बाहर निकाला तो देखा कि वो मेंढक नीला पड़ गया था जहर के कारण, सांप के जहर से वो मेंढक नीला पड़ गया। तब उनको लगा इस मेंढक ने अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागा है। ध्यान लगाकर देखा कि आखिर कारण क्या था, तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वो सांप जहर उगल दिया था पानी में, पानी पूरा जहरीला हो गया था, इसी पानी से शिवजी का स्नान होता था, इसी पानी से संत पानी पीते थे, मेंढक ने हमारे लिए प्राणों को दिया। संतों ने मेंढक के ऊपर अपना हाथ की छत्र छाया कर और मेंढक के ऊपर छत्र छाया कर कहा इस मेंढक को जीवित होना है, हमारा तप बल, हमने जो पूजन सेवा अर्चना करी उसका बल सामने आया, मेंढक जीवित हुआ। मेंढक जीवित हुआ तो संतों ने उसको मनुष्य की वाणी दे दी। मेंढक मनुष्य की वाणी में बोलता है, पानी में जहर गिर गया था इसलिए मैं उसमें जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, मुझे क्षमा करना। आप जो जहर का पानी शंकर जी को चढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जहरीला पानी आप भगवान को चढ़ाए ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा इस व्यासपीठ से कई जगह पर हम लोगों ने कहा निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, जिससे नदी तालाब पावड़ी कुएं शुद्ध। हम जो निर्माल्य अपने घर में बचता है, जो फूल पत्ती बचती है उसको पानी में डाल देते हैं, पानी दूषित होता चले जाता है। पानी दूषित होता चले जाता है तो वो पानी हम भगवान को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो जहरीला बनते चले जाता है, उसका आचमन कैसे कर सकते। आपको कथाओं के माध्यम से कहा कि अपने घर से एक लोटा जल ले जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारे घर का जल कितना शुद्ध है। हम दूसरी जगह का पानी उठाकर महादेव को चढ़ा रहे हैं, वो पानी में कितना क्या विष मिला है, क्या मिला है हमको अंदाजा नहीं है, वो कितना दूषित है ये हमको अंदाजा नहीं है। आप में से कोई माता ऐसी है जो भगवान को दूषित जल देती होगी, बेकार पानी देती होगी, कहीं खड्डे का गंदा पानी भरकर चढ़ा देती होगी? कोई नहीं है ना, सब अपने घर से पानी भरकर लेकर जाते हैं, जो पानी वो पीते हैं वो पानी लेकर जाते हैं, जो पानी वो स्वयं पीते हैं वो पानी महादेव को चढ़ाते हैं।
पशुपतिनाथ का व्रत तो यहां तक कहता है कि बाजार से मिठाई लाकर पशुपति व्रत नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? घर में खीर बना लो, घर में सीरा बना लो, हलवा बना लो, घर में मीठा चावल बना लो, घर में तुम जो बनाना हो बनाओ, पर घर में बनाओ। इतना शिव जी के पूजन में शुद्धता का ध्यान स्मरण रहता। तो हम कहते हैं कि घर से जल लेकर जा, जैसे मेंढक ने कहा पानी अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कैसे कहे? इसलिए मैंने प्राण दिया। आप जब निर्माल्य विसर्जन के लिए वाहन चलाते हैं, रथ चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय पर आप नदी को, तालाब को, बावड़ी को शुद्ध कर रहे हैं, और वो पानी शिव जी को चढ़ता है तो उसकी पवित्रता का फल हमको भी, हमारे खाते में जाता है और हमारी जिंदगी सार्थक होती है। अब मनुष्य की वाणी मिल गई। संतों ने कहा तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, महादेव की सेवा के लिए तुमने जल को बचाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा मैं क्या मांगू, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अपना घर छोड़ छोड़ कर दूर दूर से आके यहां धूलिया नगर में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। कोई नासिक में कथा होगी तो कथा सुनने के लिए नासिक वाले वहां पहुंचेंगे, मां गोदावरी के तट पर कुंभ का जहां मेला भराता है पंचवटी में, जिस नासिक में साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक 33 कोटि देवी देवता, जिस नासिक में, जिस पंचवटी में स्वयं राम गोदावरी का स्नान करने के लिए तरसते हैं, ऐसी पंचवटी में हमें शिवपुराण की कथा गंगा रूपी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बढ़कर लाभ और क्या मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे, शिव कथा कर। मांगू तुम्हें क्या चाहिए? मेंढक ने कहा मैं नहीं मांग सकता, क्या मांग? गुरु की दृष्टि पड़ जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, से ज्यादा सुख और क्या चाहिए। अब संतों ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी गुरु का जब दर्शन होता है तुम नी भी मांगते तो परमात्मा खुद दे देता है। असली गुरु का यदि दर्शन हुआ है, असली गुरु का यदि दर्शन करा है, तुम नी भी मांगोगे तो भी वो देगा, आप ना मांगे तो भी वो देगा। किसी सतगुरु का यदि दर्शन हो, उस समय पर यदि आप हाथ जोड़कर भी अपने दिल की बात केवल गुरु को, सतगुरु अगर है, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई ढोंग नहीं, सतगुरु अगर कोई है, उसको देखकर आपने हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर कर कह दिया, निवेदन कर दिया, खाली ना जाता कोई हो जाए और आपने हाथ जोड़ बाबा से प्रार्थना भी कर ली तो बाबा दे दे। मेंढक